बनाने जा रहे हैं यहाँ पे गोरिल्ला का स्केच, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से मतलब ये फ़ोटो मिली हुई थी एंड मैं सोच रहा था क्यों ना इसको बनाया जाए, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो है ये। एंड आज है संडे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं इतनी ज़्यादा कम ड्राइंग्स आजकल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया, क्योंकि सुबह मतलब सुबह 7 बजे जाता हूँ, मतलब कितने 8:30 बजे स्कूल जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे घर आओ 3 बजे, एंड उसके बाद फिर होमवर्क स्कूल का एंड काफ़ी सारा काम हो जाता है, एंड उसके बाद फिर इतना कम टाइम मिलता है मुझे आजकल ड्राइंग करने का, तो इसलिए मैंने क्यों ना सोचा क्यों ना एक अच्छा सा स्केच चुनूं जो कि जल्दी भी बने एंड उसमें मुझे मज़ा भी आए बनाने में, तो मैंने इसलिए ये वाली इमेज चुनी है। तो इसको मैं चारकोल से बनाऊंगा, फुल्ली चारकोल रखूंगा, ग्रेफाइट नहीं यूज़ करूंगा, हल्का फुल्का जो मुझे जैसे कि जो उनके मुँह के अंदर का पार्ट है वो मैं बनाऊंगा ग्रेफाइट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। Get it.
गाइस आज की इस वीडियो में हमने बनाया है ये गोरिल्ला का स्केच जो कि आप देख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ 4 आर्ट्स में बनाया है, 4 एंड हाफ कुछ 4 आर्ट्स बोल सकते हैं आप। एंड इतना अच्छा कमाल का स्केच बनाया है। एंड ये जो मैंने पेपर यूज़ करा ये है क्या बताऊँ आपको 170 GSM रफ कार्ट्रिज पेपर बोलता हूँ मैं तो इसे, कार्ट्रिज पेपर है ये मेरा वाला। एंड यहाँ पे जो हेयर्स का टेक्सचर आया है मतलब वो तो कमाल ही है। साइड में मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो मैंने बाहर खींची, बाहर की जो है ना लाइट काफ़ी ज़्यादा फ्लोरोसेंट टाइप की नहीं होती है, यहाँ की जो अंदर की लाइट होती है वो वार्म लाइट्स होती हैं तो इसलिए मुझे अच्छे से शूट नहीं कर पाता, पर बाहर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। एंड इसमें मैंने बिल्कुल भी जेली रोल पेन नहीं यूज़ किया है। जेल रोल पेन अगर आप यूज़ करते तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, मैंने हल्का फुल्का यूज़ करके देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो इसलिए मैंने फुल्ली अपनी जो है पेंसिल इरेजर का यूज़ करके इसमें हेयर्स को बनाया है। तो आप देख ही सकते हैं हेयर्स का टेक्सचर मुझे सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक इस भाग में लगा, यहाँ पे जो मैंने हेयर्स बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, यहाँ वाले भी। एंड इसका मुँह तो मेरे से थोड़ा सा छोटा ही है बस। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइज अगली वीडियो में कुछ धमाल होने वाला है क्योंकि मैंने मंगवाया एक प्रोडक्ट जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो उसकी अनबॉक्सिंग आने वाली है। एंड जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।